दिन जाके इन्होंने रिपोर्ट करी है PW5 ना, चक्षुधर से साक्षी है ना महेंद्र सिंह भदौरिया। हाँ तो महिला आई विटनेस कैसे हुआ वो उस दिन था वो घर, इस पे मैं बयान पढ़ रही हूँ ना, क्यों करेगा फोटोकॉपी वाला तो ये एविडेंस? इसको कैसे मान लें कि ये था वहां पे? मैडम कहे मुझे बता दीजिए, कोई कहीं किसी की साथ घटना हो रही हो, कितने लोग रिपोर्ट करने जाएंगे? बोलते नहीं है वो उनको ठीक है नहीं है, पर सारे दिन ये रहा, सारी रात ये रहा, फोटोकॉपी की दुकान दूसरे बंद, दिन भी पूरे दिन ये रहा पुलिस के साथ, तब भी किसी को नहीं बोला माइला डे इन्होंने, फोटोकॉपी की तब दुकान भी बंद। नहीं तो फोटो कॉपी के नहीं तो उस समय भी इसने अपने उसके भाई को नहीं बस बोला, यही कह, यही कहा डॉक्टर को नहीं आपका, बोला, यही कहना डॉक्टर है पूछ रहा, पुलिस पूछ रही है, आपका, पुलिस कितनी को भी नहीं बताया इसने केवल यही आर्गुमेंट है आपका? था एक आया उसका, आप बोल रहे हो कि माइला डे, ये तो दोस्त था, इसके घर में अरे काम एक करता आया था उसका, रहता इसलिए तो था, मैं गवाही देने थोड़ा देर से आ गया। कितनी देर से आया, ऋषि कांत कितनी भी है, देर में इसकी गवाही कितनी देर में हुई महेंद्र की? दूसरे दिन शाम को जब अंत्येष्टि हो गई है उसके हाँ बाद, तो किस जब इसके दिन भाई ने बोला घटना का कि आप आप पुलिस को बताओ कि तुमने घटना देखी है, तो क्या करें, PW2 ने बोला, तब इसने बोला कि क्या पुलिस करें? पुलिस को बताया, डरा हुआ था पहले, पहले डरा हुआ था वो, तो भाई को तो बता सकता था ना माइला, किसको बताया, क्या करें? उसके उसने घर वालों को तो बता सकता था, हर आदमी मर्डर इतने देखे चाकू मार रहा है, इतने चाकू मार रहा है, कोई नहीं गया, किसी ने नहीं देखा, अब उसका बैंक उसने वालों के, पहले बैंक वालों का भी है कि अंदर आया था, वो जो फोटो कॉपी हुई है उसका भी कोई एविडेंस नहीं है माइला, डी पहले सीसीटीवी ग्रेड पे 8 साल में उन्होंने छोड़ देखिए दिया है, हरियाणा में चाकू जब्त हुआ है, कुल्हाड़ी जब्त हुई है, कानून अलग लगता ब्लड है, डिसइंटीग्रेट है, नहीं माना है उन्होंने, पंजाब डीएनए का टेस्ट कानून नहीं अलग है, रहता है, डीएनए यहाँ टेस्ट नहीं है माइला, का अलग रहता है अंतर, टेस्ट नहीं है माइला, फर्स्ट यहाँ का अलग रहता है अंतर। बेल है इनका माइला, 28/5/15 से जेल में है माइला, होल केस डिपेंड ओनली ऑन एविडेंस PW5, किसी की पहले हुई है क्या, नो माइला, फर्स्ट बेल है, किसी और की हुई है नहीं किसी उसकी ने? हुई है सेकंड वाले की, पर उसको बेल, उसके फादर की वजह से उसको बेल बेल पे रहता है वो 2-3 महीने, फिर हो जाती है अच्छा वो अच्छा अभी जो ओके। हुआ था वही है, रेगुलर रेगुलर लगाने के लिए कोर्ट ने ये बोला था, नानू पर की है, यस माय ये ब्रदर, नानू की कौन सी एप्लीकेशन है? ये फर्स्ट। फर्स्ट है माइला, अच्छा नानू को कितना समय हो गया? इसका ये हो गया है माइला 28/5/15 से कंटिन्यू जेल में है, 9 साल, 10वां साल चल रहा है, कस्टडी रिपोर्ट क्या कहती है मिस्टर ओझा? सर ये 9 साल 1 माह 20 दिन, 11 साल, 9 साल 8 महीने सर ये ड्यूरिंग ट्रायल आल्सो, सो 11 इयर्स 5 मंथ्स 7 डेज सर टोटल। एक्चुअल, हाँ 11 इयर्स एक्चुअल कैसे हो जाएगा पंद्रह सर से? ड्यूरिंग कस्टडी सर ही सर वाज आप ये बोलिए देयर अट्ठाईस ड्यूरिंग पांच ट्रायल, 15 से जेल में है? नहीं नहीं कस्टडी, 15 से 18 तक है, 18 से 24 तक है। नहीं सर गलत है, 9 साल ही होगा सर। सर सर बस सर नाइन कोई इयर्स बोला होगा करे ना 15 से है, हाँ 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 बिल्कुल सर, 15 से करे तो ये 9 साल ही होगा सर, 9 साल 1 माह, कहीं ना कितना लिखा है, 9 साल 1 महीना 20 दिन सर। 9 साल 1 महीना 20 दिन, रिपोर्ट डेटेड रिपोर्ट डेटेड सर 18/7/24। 18/7/24, जी सर। हाँ मैडम बताइए। माय डॉट होल केस डिपेंड ओनली ऑन PW5 महेंद्र सिंह आई विटनेस बट नॉट रिलायबल माइलर, हमको भी जरूरत है। मैं जजमेंट पैरा 2 पढ़ देते हैं माइलर, अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता ऋषि कांत धारू ने दिनांक 27/5/15 को 8:10 बजे रात्रि में DSPM अस्पताल इटारसी में शासक की देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्शी दर्ज कराई, वह मालवीगंज इटारसी में रहता है, पढ़ाई करता है, दिनांक 27/5/15 को शाम 6:30 बजे पंजाब एंड सिंध बैंक तक विक्की वर्मा भैया के साथ गया था, वह वापस घर आ गया था, बाद में उसे पता चला कि भैया के साथ मारपीट हो गई है जिन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, तब अस्पताल में आकर देखा तो विक्की और फिर विकास स्ट्रेचर पर खून से लथपथ मृत अवस्था में मिले थे, डॉक्टर साहब ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, बिक्की भैया को पेट नाभि के पास घाव होकर आते निकल गई थी, सीना गर्दन चेहरा पे खून से लथपथ थे, अज्ञात की रिपोर्ट हमारे लड़ अपीलांट नंबर 1 ऋषि कांत ने की है, मैं मालवीगंज इटारसी में रहता हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आज शाम 6:30 बजे पंजाब एंड सिंध बैंक तक बिक्की वर्मा भैया के साथ गया था, मैं वापस घर आ गया था, बाद में मुझे मुझे पता चला कि भैया के साथ मारपीट हो गई है जिस अस्पताल लेकर गए हैं, तब अस्पताल में आकर देखा तो बिक्की उर्फ विकास स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़े हुए थे, डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था,
विक्की भैया को पेट नाभि के पास घाव होकर आते निकली थी, सीने गर्दन चेहरा पीठ खून से लथपथ। भैया को किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से पेट सीने चेहरा हाथ में मारकर हत्या कर दिया। उस दिन किसी की रिपोर्ट नहीं है मालट। PW5 महेंद्र सिंह किस आधार पर कन्विक्ट किया है? यस मालट, इनका उस दिन भी कोई पुलिस स्टेटमेंट नहीं हुआ है। उस दिन इसका पूरे समय ये उसके पास रहे हैं। और अरे पुलिस ने आपको क्यों जो है पकड़वा, किस आधार पर पकड़ लिया? सर द वेपन वाज सीज्ड फ्रॉम मालट। ये PW5 मैं पढ़ रही हूँ। कौन सा वेपन था? सर चाकू था। चाकू है मालट। कपड़े और चाकू जब्त किए गए थे P16 के अनुसार। पुलिस का एविडेंस भी है माइलट के साथ में रही। इन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया कि किसने मारा है। दूसरे दिन जाके इन्होंने रिपोर्ट करी है PW5। चक्षुधर से साक्षी है ना महेंद्र सिंह भदौरिया। हाँ तो माइलट आई विटनेस कैसे हुआ? वो उस दिन था वो घर। इस पे मैं बयान पढ़ रही हूँ ना। ये मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी नानू 5 है माइलट, जानता हूँ मैं। मृतक विकास वर्मा को जानता हूँ। विकास वर्मा का आरोपी नानू से पैसों के लेन देन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। आरोपी नानू हमेशा विकास वर्मा को धमकी देता था, वह देख लेगा। मैं दिनांक 27/5/15 को ये जो है आई विटनेस कैसे हुआ इस बात के लिए पूछा होगा ना आपने, तो खंडित हुआ इस बयान पे कि भाई जो है आप आई विटनेस कैसे हुए? तो महिला आया नहीं है, पर पुलिस वाले तो बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर से सेंटेंस हो गया इसको, बस इसी पे। तो आपने क्रॉस किया होगा ना उससे, नान उससे महेंद्र सिंह भदौरिया से? यस महिला। कैसे पहुंच गया वहां, आई विटनेस कैसे बन गया? पूरे समय रहा, अंत्येष्टि तक रहा, बोल रहा है डॉक्टर के। डॉक्टर जब लास्ट पंचनामा बना तब भी था ये, तब भी किसी से नहीं बताया। कितने दिन बाद बताया इसने? ये दूसरे दिन बताया जब इसके भाई ने बोला कि आप पुलिस को बताओ। अब PW2 संदीप, कई बार वहां मौके पर कई सारे लोग खड़े होते हैं, खून देखते हैं, भाग जाते हैं। तो ये वहां पे 6:30 का प्रोसिक्यूशन है और रात भर ये इसका पुलिस का भी है PW12 का माइलट, वहां हॉस्पिटल में रहे हैं। 24 घंटे तक चक्कर आते रहते हैं आम आदमी को माइलट। तो इसको इसने अपने उसको भी नहीं बताया, भाई को। ये साथ में काम करता था, ये बोल रहा है कि मैं फोटोकॉपी कराने गया था, मेरे सामने मारा। पर जब इसका दोस्त था इसके सामने मारा तो जब तो FIR करना थी। आपने क्रॉस किया होगा ना, क्रॉस में आपने आप उसको गवाह को जो है झूठा साबित कर पाए? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे पता लगता है कि he was not present on spot या nearby spot? अभी बोल आप देखिए ना, पैरा 18 में भी है, 28 में यह बात सही है कि घटना के पश्चात मैं थाने में रिपोर्ट करने नहीं गया। घटना स्थल से थाने की दूरी 200-300 मीटर है। बिक्की ऊपर विवाद घटना के समय से क्या हो जाता है, कितने लोग रिपोर्ट करते हैं मलट? पर वहां पे था दोस्त था ये, वहां पे इसके सामने काय के लिए फोटो कॉपी करने के लिए गया था ये, तो फोटो कॉपी वाले की भी कोई एविडेंस नहीं है कि ये वहां पे था। क्यों करेगा फोटो कॉपी वाला एविडेंस? तो ये इसको कैसे मान लें कि ये था वहां पे? मैडम कहे मुझे बता दीजिए, कोई कहीं किसी की साथ घटना हो रही हो, कितने लोग रिपोर्ट करने जाएंगे? बोलते नहीं है वो, ठीक है नहीं है, पर सारे दिन ये रहा, सारी रात ये रहा, दूसरे दिन भी पूरे दिन ये रहा पुलिस के साथ, तब भी किसी को नहीं बोला माइलाड इन्होंने। तब भी नहीं तो फोटो कॉपी के नहीं तो उस समय भी इसने अपने उसके भाई को नहीं बोला, डॉक्टर को नहीं बोला। डॉक्टर पूछ रहा है, पुलिस पूछ रही है, पुलिस को भी नहीं बताया इसने। यही आर्गुमेंट है आपका? मतलब देखे तो इसी पे तो सेंटेंस हुआ है, बस इसी पे सेंटेंस, बाकी कोई है ही नहीं है। सेंटेंस नहीं हुआ, बकाया कोर्ट ने ये भी माना है कि सब रिकवरी इज आल्सो देयर। यस यस। एंड तो डिसइंटीग्रेट है माइलट, वहां से हुआ है, उस पे कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, डिसइंटीग्रेट है, उस पे इतनी सारी इंजुरी है तो भी उस पे डिसइंटीग्रेट आया है। यस करिए, चलिए करिए माइलट PW5 माइलट। मैं फोटोकॉपी कराने गया था, वहीं पर मैंने विकास वर्मा को पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने खड़े हुए देखा था। थोड़ी देर बाद वहीं पर नानू और बाबुल लाल रंग की मोटरसाइकिल से आए। हम गाड़ी से उतरकर विकास के पास गए। आरोपीगण ने विकास से गाली गलौज करना चालू कर दिया। उसी समय अचानक नानू ने अपने कमर से चाकू निकाले, विकास को पेट में मार दिया। एवं लगातार नानू चाकू से विकास वर्मा के पेट में, छाती से, हाथ पर मारता रहा। विकास चिल्लाकर नीचे जमीन पर गिर गया। वहीं पर साथ आए बाबुल ने भी वहीं पड़ी फर्सी से मार दिया। पुलिस ने गांधी मैदान इटारसी पर मुझे बुलाया था। मैं गांधी मैदान पर पहुंचा, वहां पर पुलिस भी थी और नानू एवं बाबुल भी थे। पुलिस ने मुझसे वहां पर पूछताछ की।
वहीं पर मुझसे पूछताछ करने के बाद नानू ने पुलिस ने मेरे सामने पूछताछ की थी। नानू ने पूछताछ पर बताया था कि मैंने और बाबुल ने दिनांक 27/5 को हत्या के समय जो कपड़े पहने थे और जिस चाकू से मैंने हत्या की थी वह मैं अपने घर के पास डाल दिया है। उसी पैरा 3 उसी दिनांक को बाबुल ने भी मेरे सामने पुलिस को बताया था। मैलट इधर मैलट 5 पुलिस ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया था किंतु कितने दिन बुलाया था आज याद नहीं है। आज से पहले मेरे कोई बयान नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त और कोई कार्रवाई मेरे सामने नहीं हुई। पैरा 6 में यह बात सही है कि मृतक विकास वर्मा उर्फ विक्की मेरा दोस्त था, इसके साथ काम भी करता था मैलड और वहां ये खड़ा भी था, ये देख भी रहा था। इसका कहना है बात सही है कि विक्की उर्फ विकास वर्मा शराब की नीलामी में भाग लेता था। यह कहना सही है कि वर्ष 2015-16 से विकास को इटारसी में शराब की कई दुकानें नीलामी में मिली थी। स्वतः कथन की 4 दुकानें मिली थी। यह नहीं बता सकता कि प्रक्रिया के अनुसार दुकानों का ग्रुप क्या था। मैं नहीं बता सकता कि ग्रुप जो बनाया था वो क्या था। पैरा 7 यह बात सही है कि वार्ड नंबर 28-15-16 के लिए मुझे विक्की और विकास ने अपना अभिकर्ता नियुक्त किया था। स्वतः कथन किया कि नौकरनामा होता है। यह बात सही है। उक्त प्रमाण पत्र की खंडिका 1 में संबंधित अभिकर्ता का नाम, पिता का नाम, उम्र पूरा उल्लेखित रहता है। मैं नहीं बता सकता कि खंडिका 2 में इस पद का उल्लेख रहता है कि उम्र 21 वर्ष से कम है या नहीं। माइलर्ड इतना सब है, ये साथ में था, वहां देख रहा है, दोस्त था, फिर भी इसने किसी को नहीं बोला और ना इसने FIR की, ना उसको उठाने गया, ना इसके भाई को फोन किया, साथ में काम करते थे माइलर्ड। और पैरा इसमें माइलर्ड 10 मुझे ध्यान नहीं है कि घटना के दूसरे दिन जब पुलिस ने मुझसे बुलाया था तब 8-9 बजे थे रात को। माइलर्ड स्वतः कथन की शाम हो गई थी, उस समय तक इसने किसी को नहीं बताया। यह बात सही है कि दूसरे दिन शाम को जब पुलिस ने बुलाया था उसके पहले मैंने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, उसके भाई को भी नहीं बताया, घर वालों को भी फोन नहीं किया कि उसका मर्डर हो गया है। मैं अपने मामा मामी के यहाँ इटारसी में रहता हूँ। मेरे मामा पिता शांत हो गए हैं, मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने मामा मामी को घटना के बारे में नहीं बताया, घर आके ऐसे हो गए हैं, किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। मेरे मामा मामी के घर से स्टेडियम आधा किलोमीटर भी कम दूरी पर होगा। मैं स्टेडियम अपनी मोटरसाइकिल से अकेले गया था। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो काफी पुलिस वाले थे। पैरा 11 में यह बात सही है कि पुलिस वालों ने मुझसे घटना के बारे में पूछा, तब मैंने बताया था। स्वतः कथन किया, पुलिस वालों ने मुझे घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था, तब मैं गया था। मैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सा इंस्पेक्टर श्रेणी में बारे में मुझे पता है माला। पैरा 23 यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को मैं जिन कागजों की फोटोकॉपी कराने के लिए गया था वे कागज विकास वर्मा के ऑफिस से संबंधित थे। स्वतः कथन किया कि वह कागज मेरे निजी थे। मैं अपने वही मोटर आईडी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर गया था। यह बात सही है कि मैं दुकान के संचालक का नाम नहीं जानता। यह बात सही है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के आजू बाजू एवं रोड के सामने तरफ भी लगातार काफी दुकानें हैं। किसी का एविडेंस नहीं है माइलर्ड। बैंक के सामने मर्डर हुआ है ना, बैंक के सामने इतने लोग थे, बीच बाजार में किसी का भी एविडेंस नहीं है कि इन्होंने मार दिया। तो किसी का भी तो आना चाहिए माइलर्ड। क्यों देगा एविडेंस? दूसरे दिन तक किसी ने भी नहीं बताया। ऐसी इस तरह की फिल्में नहीं देखी, कोई गवाही देने नहीं आता। एक आया उसका आप बोल रहे हो कि माइलर्ड ये तो दोस्त था, इसके घर में काम करता था, रहता था। गवाही देने थोड़ा देर से आ गया, ऋषिकांत भी है। इसकी गवाही कितनी देर में हुई महेंद्र की? दूसरे दिन शाम को जब अंत्येष्टि हो गई है उसके बाद तो जब इसके भाई ने बोला कि आप पुलिस को बताओ कि तुमने घटना देखी है, क्या करें? EW2 ने बोला, तब इसने बोला कि पुलिस को बताया। डरा हुआ था पहले डरा हुआ था वो, तो भाई को तो बता सकता था ना माइलर्ड। किसको बताया, क्या करे? उसके घर वालों को तो बता सकता था। हर आदमी मर्डर कितने चाकू मार रहा है, कोई नहीं गया, किसी ने नहीं देखा। अब उसका बैंक वालों का भी है कि अंदर आया था, जो फोटो कॉपी हुई है उसका भी कोई एविडेंस नहीं है माइलर्ड। पहले CCTV कैमरे सब जगह नहीं लगे होते थे, आजकल लगे हैं तो कोई दिख जाता है ना, कभी कभी वो मारता ही जाता है। आजकल दिख जाता, पहले कहाँ दिख पाता था। आपको भी अनुभव होगा है इस बात का, इतने सारे केसेस में आपने आदमी जो है, अब ये उसके पास चाकू बरामद हो रहा है, उसके पास उसके कपड़े हैं जो छुपा के रखे, उस कपड़ों में ह्यूमन ब्लड है, और क्या चाहिए आपको? और दैट हैज बीन फर्दर माइलर्ड, ह्यूमन ब्लड माइलर्ड, उसका DNA टेस्ट नहीं है कि उसी का है, ठीक है, उसका नहीं है, डिसइंटीग्रेट है माइलर्ड। आपने क्या डिसइंटीग्रेट आ रहा है माइलर्ड? आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है 313 के बयान में, बताइए।
313 मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं है तो आपने जो है फाइल आपके जब पास, दूसरी जब बिल एप्लीकेशन लगा उसको देख के फिर बहस करिएगा। फाइल आपके पास है, ठीक है, वी विल पास द ऑर्डर है बेटा कर बेटा कर। आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ। तो फिर माइलर PW12 का भी एविडेंस देख ले आप। नहीं, आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ ही तो लिख रहा हूँ, मेरिट थोड़ी आप इसमें आप बहस कर लीजिएगा, पूरा डील थोड़ी कर रहे हैं। अदरवाइज तो वी आर डिसमिसिंग ऑन मेरिट्स आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ लर्नर काउंसिल फॉर द अपील एंड प्रेस फॉर विथड्रॉल ऑफ दिस एप्लीकेशन। सिटी ग्रेड पे 8 साल में उन्होंने छोड़ दिया है, चाकू जब्त हुआ है, कुल्हाड़ी जब्त हुई है, ब्लड डिसइंटीग्रेट है, नहीं माना है उन्होंने, डीएनए टेस्ट नहीं है, डीएनए टेस्ट नहीं है, मतलब का अलग रहता अंतर है। चल कोर्ट तो है, मतलब कोर्ट तो यही है ना, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट। भाई देखिए, दिस इज फॉर यू, यू वांट ऑर्डर ऑन मेरिट्स, आपको हमने अपना व्यू बता दिया। चलिए, चल नंबर 6।